मनाली में अभिभावक संघ ने बैठक आयोजित कर निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस को लेकर चर्चा की और आगामी रणनीति बनाई। अभिभावकों ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है, जिससे कई बच्चों के माता पिता फीस देने में सक्षम नहीं है। अभिभावकों ने मांग की है कि वे चाहते हैं कि स्कूल की फीस कम से कम 50% ली जाए। पर्यटन नगरी मनाली में बुधवार को निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही स्कूल फीस को लेकर अभिभावक संघ की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता निजी स्कूल अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने की। बैठक में अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही स्कूल फीस को लेकर चर्चा की और आगामी रणनीति बनाई। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों द्वारा पूरी फीस वसूली जा रही है, जबकि स्कूल मार्च से बंद हैं। अभिभावकों ने मांग की कि वे चाहते हैं कि स्कूल की फीस कम से कम 50% ली जाए। अभिभावकों ने सरकार से मांग की कि निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस पर प्रदेश सरकार उन्हें राहत प्रदान करें। अभिभावकों ने कहा कि आने वाले दिनों में वे अपनी इस समस्या को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा काफी अधिक फीस ली जा रही है और कई बच्चों के माता पिता फीस देने में असमर्थ हैं। ऊपर है और प्रदेश स्तर से हमारी यही रहेगी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कानून बने और जिससे कि अभिभावकों को राहत मिले, क्योंकि सारे अभिभावक बहुत परेशान हैं, परेशानी में वो स्कूल की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं और इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। इसके ऊपर मतलब जल्दी से कोई कानून बनना चाहिए। उम्मीदें हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे और हमारी सबकी डिमांड ये है कि हमारे इस जो डिमांड जो है बातों को अपने संज्ञान में लें और इसके एवज में जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकाले। किस तरह की डिमांड है आपकी, वो थोड़ा सा बताएं, स्कूल फीस को लेकर किस तरह की डिमांड है? स्कूल फीस में हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कंसेशन लोगों को डायरेक्टली मिले, वो चाहे 50% हो या 40% हो, मिनिमम हमारा 40% रहेगा। 50% शायद, क्योंकि स्कूल को भी जिंदा रखना है, वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, उन्हें भी पेमेंट मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार कुछ जल्द जल्द नीति लाए। उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज तक इस मुद्दे पर कोई नीति बनी नहीं थी। नीति थी लेकिन वो COVID-19 का दौर उस वक्त नहीं था, तो इसको लेके नई नीति बनने पड़े। नीति बनने में कुछ टाइम लगेगा, हम समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन डायरेक्टली कुछ राहत अभी मिल सके, कोई अनाउंसमेंट हो CM साहब की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से, हमारी उनसे विनम्र निवेदन और आग्रह है। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।